डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर अतिया बतूल। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी और कोर्स कोड है 9410। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के 3 चैप्टर्स को कवर किया। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है सोशल इंटरेक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इंटरेक्शन क्या चीज़ है, और अगर हम सोशियोलॉजी के अंदर इंटरेक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये इंटरेक्शन किस नोयत का होगा और क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के द स्टडी ऑफ डे टू डे सोशल लाइफ, यानी सोशल जो आपकी डे टू डे है वो क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और इंटरेक्शन इन टाइम एंड स्पेस। ओके स्टूडेंट, आवर फर्स्ट टॉपिक द स्टडी ऑफ डे टू डे सोशल लाइफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्ट एंड रिएक्ट टू दोज अराउंड अस। इट इंक्लूड्स दोज एक्ट्स पीपल परफॉर्म टुवर्ड ईच अदर एंड द रिस्पॉन्सेस दे गिव इन रिटर्न। डियर स्टूडेंट्स, सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा अमल है, उस इंटरेक्शन को कहते हैं कि जिसके अंदर हमें कम से कम दो अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अफराद हों उनकी ज़रूरत होगी। सोशल इंटरेक्शन कभी भी एक फर्द के ज़रिए से नहीं हो सकता। सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें एक्शन और रिएक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान किसी इंसान को हाथ मिलाता है और अस्सलाम वालेकुम कहता है, और दूसरा इंसान हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाता है और उसके जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम। दिस इज बेसिकली कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन हम उस प्रोसेस को भी कहेंगे कि जिसके अंदर जो कॉन्टेक्ट है वो कंटिन्यूस होगा, यानी दो अफराद जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका इससे पहले भी आपस में कोई ताल्लुक और कंटिन्यूस रिलेशनशिप होना जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन के अंदर बहुत से डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन बिहेवियर्स को नहीं रखेंगे कि मसलन सलाम दुआ करना अच्छा ताल्लुक, बल्कि इंटरेक्शन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम बिहेवियर्स आते हैं, जिनके अंदर हम कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे कि सोशल इंटरेक्शन यानी इंसानों का आपस में ताल्लुक रखना या ताल्लुक कायम करना किसी भी माशरे के सोशल कल्चर और कल्चर जो है वो जो उसकी जो इमारत खड़ी हुई है वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए से है। याद रहे कि इंसान शुरू में तन्हा रहता था, गारों में रहता था, और उसके पास अपने सर्वाइवल के लिए जो कोशिशें करनी थी वो उसने खुद करनी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने ये ज़रूरत महसूस की कि उसे किसी दूसरे इंसान की मदद, किसी दूसरे इंसान के साथ की ज़रूरत है। इस वजह से उसने दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक बनाए, और फिर वो तमाम काम जो वो तन्हा नहीं कर सकता था, और या वो तमाम चीज़ें जो उसकी थी उनकी वो हिफाजत नहीं कर सकता था, या जो खतरात उसे लाहक थे वो तमाम खतरात विद द पैसेज ऑफ टाइम दूर होना शुरू हो गए। सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट्स या कंपोनेंट क्या हैं? हमारा पहला कंपोनेंट सोशल इंटरेक्शन का है स्टेटस, यानी माशरे में इंसान को दिया गया रुतबा। इन सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, सोशल स्टेटस इज द ऑनर और प्रेस्टीज अटैच्ड टू द वन्स पोजीशन इन सोसाइटी। इट मे ऑल्सो रेफर टू अ रैंक और पोजीशन दैट वन होल्ड इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल सन और डॉटर, प्लेमेट,
ट्यूबल एटसेट्रा। स्टूडेंट स्टेटस मॉइस्चर में मौजूद वो तमाम रुतबे हैं जो मुआशरे के अफराद को मुआशरे की तरफ से दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि फला खातून जो हैं वो टीचर, अब उनका उस्तानी होना या टीचर होना उनको मुआशरे की तरफ से गिवन रुतबा है, तो ये इनका सोशल स्टेटस होगा। इसी तरह से अगर एक लड़की है तो उसका लड़की होना सोशल स्टेटस है। अभी आपको जब सोशल स्टेटस के अगेंस्ट जो सोशल रोल होता है जब आप उसको स्टडी करेंगे तो फिर आपको स्टेटस और सोशल रोल को बहुत अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। तो वो तमाम रुतबे जो मुआशरे की तरफ से आपको अता किए जाते हैं वो आपका सोशल स्टेटस होता है। अब स्टूडेंट जो सोशल स्टेटस है वो दो तरह का है। तो सोशल स्टेटस वो जो कि आपको आपकी पैदाइश के वक्त मिल जाता है या जिसके लिए आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ती वो आपका एस्क्राइब स्टेटस होता है, और वो रुतबा जिसके लिए आपको मुआशरे में मेहनत कोशिश जद्दोजहद करनी पड़ती है वो आपका अचीव स्टेटस होता है। एस्क्राइब स्टेटस के अंदर हमारे वो स्टेटस आते हैं जो हमारे बर्थ के टाइम पे हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़की होना ये हमें एट द बर्थ मिलता है। इसी तरह से अगर कोई लड़की किसी सादात फैमिली में पैदा होती है तो सादात होना उसका एस्क्राइब स्टेटस है। इसी तरह से अगर कोई लड़का मलिक फैमिली में पैदा होता है तो मलिक होना लड़का होना उसका एस्क्राइब स्टेटस है। अब आपके वालिदैन जिनके घर में आप जन्म लेते हैं वो के वालदैन रहेंगे, ताहयात आप उनकी उनको तब्दील नहीं कर सकते। याद रखिए स्टूडेंट के एस्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है जो इंसान को उसकी पैदाइश पे अता किया जाता है या मिलता है, और ये स्टेटस जिंदगी भर उसके साथ है। इसके लिए उसको किसी भी किस्म की कोई मेहनत और कोशिश नहीं करनी पड़ती और ये उसकी तमाम जिंदगी टिल डेथ उसके साथ चलता है और इसके अंदर वो तब्दीली नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो सेक्स एज रेस एथनिसिटी और फैमिली बैकग्राउंड ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपके एस्क्राइब स्टेटस में। ओके स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉप स्टेटस इज अचीव स्टेटस। अचीव स्टेटस जो है वो इसके ऑपोजिट है एस्क्राइब स्टेटस के, जिसके अंदर वो तमाम रुतबे और वो तमाम स्टेटस जो हमें मुआशरे की तरफ से हमारी कोशिश की वजह से हमारी मेहनत और इंटरेस्ट की वजह से हमें मिलता है वो हमारा अचीव स्टेटस होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना, इंजीनियर, इसी तरह से वाइफ बन सकती है ये भी, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है। और अच्छी वाइफ बनना और बुरी वाइफ बनना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये भी आपकी कोशिश की वजह से आपको स्टेटस मिलता है, बट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाइफ। आप वो तमाम रुतबे जो आप अपनी कोशिश के ज़रिए से हासिल करते हैं वो आपका अचीव स्टेटस होता है। सोशल रोल, अब आप बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे कि स्टेटस और क्या है। वो मुआशरा जिसके अंदर अफराद मुआशरा को स्टेटस दिए जाते हैं तो मुआशरा ये एक्सपेक्ट करता है कि जो स्टेटस उसने अपने मुआशरे के अफराद को दिया वो उसके अगेंस्ट रोल भी प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस्क्राइब स्टेटस में देखें तो हमने कहा कि किसी भी के लड़की होना औरत होना एक स्टेटस है और वो उसे एट द बर्थ मिलता है। तो औरत की कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुआशरे ने बता दी हैं कि औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या रोल होगा। अगर वो बेटी है तो उसने क्या रोल प्ले करना है, अगर वो वालिदा है तो उन्होंने क्या रोल प्ले करना है, अगर वो बहन है तो उनका क्या रोल होगा, और अगर वो बीवी है तो उनका क्या रोल होगा। इसी तरह से मेल के साथ भी है कि उनको जो जो स्टेटस एट द बर्थ मिले हैं वो उसके अगेंस्ट रोल प्ले करेंगे। और अगर हम अचीव स्टेटस में देखें तो अचीव स्टेटस में अगर कोई टीचर है ऑब्वियसली उसने
मेडिसिन तो नहीं लिखनी, उसने क्या करना होगा, उसने टीचिंग करनी होगी, उसने बच्चों को पढ़ाना होगा। इसी तरह से जो बस ड्राइवर होगा वो बस ड्राइव करेगा, इसी तरह से जो पॉलिटिशियन होगा वो पॉलिटिक्स करेगा और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि 33 चाहे सोसाइटी की तरफ से हमें दिया हुआ अचीव हो या एस्क्राइब्ड हो, उन दोनों के अगेंस्ट हमारे ऊपर सारे रोल जो हैं वो फर्ज होते हैं और हमें उनको उन रोल्स को लाजमी प्ले करना होता है। और अगर हम प्ले ना करें तो क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। स्टूडेंट, जब कोई फर्ड वो रोल जो उसका उसके स्टेटस के अगेंस्ट होता है वो प्ले ना करे, या उसके जितने भी रोल हैं उनमें से किसी एक को प्ले ना करे, उस सिचुएशन को हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल एक औरत, एक वक्त में औरत भी है, वो किसी की माँ भी है, वो किसी की बीवी भी है, वो किसी की बहू भी है, वो टीचर भी है, वो स्टडीज भी कर रही है और उसको और बहुत सारे जो सोशल स्टेटसेस हैं उनके अगेंस्ट रोल प्ले करना है। अब अगर कोई इन रोल में से कुछ रोल या एक रोल जो कि उसके पास स्टेटस है उनके अगेंस्ट प्ले ना कर सके, तो ऐसे सूरत हाल को हम कहेंगे कि ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की भी दो टाइप है हमारे पास, इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट रेफरिंग टू इनकम्पैटिबल रिक्वायरमेंट्स विद इन द सेम रोल। अब इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि किसी बंदे के एक ही रोल के अंदर वो रोल को प्ले ना करने में कामयाब ना हो, तो हम कहेंगे ये इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट है एक ही रोल के अंदर। और इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट रेफरिंग टू क्लैशिंग एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेपरेट रोल विद इन द सेम पर्सन। पर्सन एक ही है लेकिन बहुत सारे रोल हैं जिनमें से वो किसी एक रोल को प्ले नहीं कर रहा, या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है अगेंस्ट द रोल वो नहीं पूरी कर सक रहा, तो हम कहेंगे कि ये इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल ग्रुप। अ नंबर ऑफ पर्सन टू और मोर हु हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेंशन हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर विच हैव कॉमन लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेट इन रिलेटेड एक्टिविटीज आर कॉल्ड ग्रुप। स्टूडेंट, सोशल ग्रुप वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ पर्सन यानी जिसके अंदर एक ग्रुप की भी एग्जाम्पल जो है वो किसी एक अफराद या इंडिविजुअल से नहीं की जा सकती, बल्कि ग्रुप हमेशा हम उसे कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनके सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उनका पीछे पर्पस एक होता है जिसकी वजह से वो एक जगह पर जमा होते हैं या मिलकर रह रहे होते हैं या मिलकर काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो उनकी आपस में शेयरिंग होती है वो एक दूसरे को वो जो ग्रुप के अंदर अफराद हैं उनका एक दूसरे के ऊपर असर होता है, वो एक दूसरे को मुतासर करते हैं। इसके अलावा उनकी लॉयल्टी और उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक तरह की होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो ग्रुप की बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं जिनमें प्राइमरी ग्रुप, सबसे पहले हम प्राइमरी ग्रुप को ही एज एग्जांपल यूज कर लेते हैं। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर अफराद का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम मोस्टली जो है एग्जांपल लेते हैं फैमिली की, यानी एक खानदान की। जैसे एक फैमिली है उसके तमाम अफराद एक जगह पर रहते हैं, हमेशा इकट्ठे
रहते हैं, वो एक तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उनकी बिलीफ, उनकी वैल्यूज एक ही होती हैं, वो एक दूसरे को मुतासर करते हैं, वो एक्शन और रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक ग्रुप कहलाता है। इसी तरह से सेकेंडरी ग्रुप, इनपुट और सॉरी इन और आउट ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, कास्ट की बेस के ऊपर कोई ग्रुप हो सकता है, और तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप्स हैं जो हमारे पास हमारे मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रुप मौजूद हैं। इसलिए ये ग्रुप मुख्तलिफ हैं क्योंकि इसके पीछे पर्पस या इनके बनने की वजह मुख्तलिफ होती है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले प्राइमरी ग्रुप की बात की, इसके बाद हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है कि जिसके अंदर अफराद जो है वो किसी पर्पज़ के तहत एक दूसरे के साथ तआवुन करते हैं या एक दूसरे के साथ एक ग्रुप की फॉर्म में रह रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर हम एक क्लासरूम को भी कह सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी ग्रुप है। इसी तरह से इन ग्रुप और आउट ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के स्टूडेंट्स जो कि सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेम तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आपस में के लिए इन ग्रुप, जबकि दूसरी क्लास जो कि साइंस की क्लास है और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी जो शेयरिंग है वो डिफरेंट तरह की है, वो इस क्लास के लिए जो कि आर्ट्स की क्लास है उसके लिए आउट ग्रुप होगा। इसी तरह से फॉर्मल ग्रुप, वो ग्रुप जो कि किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया जाए और उसके अंदर तमाम एक्टिविटीज फॉर्मल हों, उसमें टाइमिंग हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड हों, तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप, और उसमें टाइम लिमिट भी हो सकती है कि ये एक इसमें इस टाइम पे बनेगा और इस टाइम तक ये मिलकर काम करेंगे और इसके बाद ये सब डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मल ग्रुप होगा और इनफॉर्मल ग्रुप हमारा इसके अगेंस्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे रेफरेंस ग्रुप, एथनिक ग्रुप और कास्ट ग्रुप, जैसे नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर जो ग्रुप बनेगा वो रेफरेंस ग्रुप होगा। एथनिक ग्रुप यानी एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे एथनिक ग्रुप होते हैं, और कास्ट की बुनियाद पर जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे जो है वो कास्ट ग्रुप्स होते हैं। हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब स्टूडेंट्स हमें ये जानना या हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शन की, इंटरैक्ट करने की, यानी आपस में दो अफराद जब आपस में ताल्लुक कायम करते हैं या ताल्लुक बनाते हैं या उनका ताल्लुक बनता है तो हम उसे कहते हैं कि इंटरेक्शन है, और उसके कुछ या उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि जब तक वो नहीं होंगे हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये एक ये इंटरेक्शन है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेक्शन बोल कर नहीं होती बल्कि इंटरेक्शन जो है वो नॉन वर्बल भी होती है। मीन पहले हमने जो चीज़ें देखी या हमने इंटरेक्शन के बारे में जो डिस्कशन की उसमें हमने वर्बल थोड़ी वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बात की, अभी हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। सो जानने की कोशिश करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोजिशन नोन एज कलेक्टिवली एज बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज स्पोकन अंडरस्टैंडिंग्स एंड पोजिशन एंड कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन दैट मे अफेक्ट एनकाउंटर बिटवीन पीपल। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंसान दूसरे इंसान के साथ यानी इंसान एक एक्ट करता है, वो एक्ट उसका जेस्चर के जरिए से भी होता हो सकता है, वो बॉडी एक्सप्रेशन के जरिए से भी दे सकता है, किसी इशारे के से दे सकता है, और मतलब वो तमाम एक्ट जो जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज यूज नहीं हो
होगी और आप अपने उस एक्ट के जरिए से दूसरे को बात समझा दें, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जहाँ पर हम कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन थ्रू लैंग्वेज करते हैं, वहाँ बहुत सारे हमारे पास जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस हैं और बॉडी पोजिशंस हैं जिनके जरिए से हम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों की पोजीशन जो है वो हम किसी ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ दूर है और हम एक दूसरे को बात के जरिए से कोई मैसेज नहीं कन्वे कर सकते और हम एक दूसरे को देख सकते हैं। समटाइम्स हाथ हिला के किसी को सलाम या हाय करने की कोशिश करते हैं और इन रिएक्शन दूसरा बंदा भी वैसे ही करता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारी चैट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोबाइल के ऊपर किसी के जो उसने व्हाट्सएप स्टेटस दिया हो, अगर हम उसके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कोई स्माइली रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम साथ बैठे हुए होते हैं, बहुत करीब होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आप करीब ना हो या आपका फेस टू फेस आप एक दूसरे को देख ना सक रहे हो। ऐसा समटाइम्स होता है कि हम कहीं किसी गैदरिंग में बैठे हैं या किसी जगह भी बैठे हुए हैं और हम किसी दूसरे को, किसी दूसरे का हाथ हिला कर या थोड़ा सा उसको झटका, हल्का सा झटका देकर हम किसी को किसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं या उस टाइम समटाइम्स उसको आंखों के इशारे से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्योंकि इसके ज़रिए से बात मुकम्मल तौर पर दूसरे फर्द को पहुंच चुकी है। ओके, बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज होती है और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारे मैसेजेस देती है। बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ बॉडीली मूवमेंट और पोस्चर इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन विच ट्रांसमिट अ मैसेज टू द ऑब्जर्वर एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आइदर इन मोशन और स्टिलनेस कन्वेज अ मीनिंग विच डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्शन। जैसे कि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अपनी बॉडी के किसी भी पॉस्चर के जरिए से अगर किसी दूसरे फर्द को कोई कन्वे करते हैं तो ये आपका, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी या आपका वो नॉन वर्बल इंटरेक्शन होगा। दूसरी चीज़ आती है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी मीन्स हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज फिजिकली टू यू। डियर स्टूडेंट, प्रॉक्सिमिटी ये है कि दूसरा फर्द या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन फिजिकली आपके कितना करीब है। इंटरेक्शन की ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फर्द आपके कितना करीब है और आप उसको उससे कितना जल्दी कम्युनिकेट और इंटरैक्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज द टेंडेंसी फॉर पीपल टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स हु आर फिजिकली क्लोजर टू देम। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि वो अफराद जो आपके घर के साथ यानी आपके हैं, आपके हमसाए हैं, वो आपके बहुत क्लोज होते हैं, इसी तरह से वो आपके क्लास फेलोज जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में आपके साथ होते हैं या वो आपके नेबर भी समटाइम्स हों और आप फिर स्कूल भी जाते हों, आपकी एज भी सेम हो, तो वो अफराद आपके ज़्यादा करीब होते हैं रादर देन आपका कोई ब्लड रिलेशन हो। आपका फॉर एग्जाम्पल आपके अंकल यानी आपके चचा या आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल खाला के जो बच्चे हैं वो आपके बहुत क्लोज हैं बाय ब्लड रिलेशन, बट वो आपके साथ या आपके बहुत करीब नहीं रहते, जिसकी वजह से आपका उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन या इतना आप उनके करीब नहीं होंगे जितना कि आप उस ग्रुप के करीब होंगे या उस ग्रुप से आपका इंटरेक्शन होगा जो आपके फिजिकली ज़्यादा करीब है।
It is common for relationships to begin due to the physical proximity, which refers to being near or accessible to each other. अब physical proximity ये है कि social interaction के अंदर अगर देखें तो physical proximity में वो अफराद जो कि हमारे बहुत करीब होते हैं, हम उनके साथ जल्दी रिलेशन बनाते हैं, हमारा उनके साथ रिलेशन बहुत मजबूत बहुत अच्छा भी होता है, और बहुत सारे जेस्चर्स और पोस्चर्स और ये तमाम चीज़ें वो हमारी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और समझते हैं उन लोगों की बनिस्बत जो फिजिकली हमारे करीब नहीं होते. ओके स्टूडेंट, आवर लास्ट टॉपिक इज सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेसेस. सोशल इंटरेक्शन और सोशल प्रोसेसेस क्या हैं? सोशल प्रोसेसेस मीन दैट वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप विच कैन बी क्लासिफाइड एज कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन. ये सोशल इंटरेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप ये समझने के लिए हम इनको फॉर्म्स भी कह सकते हैं कि यानी हम इंटरैक्ट किस किस तरीके से या किस किस तरह से हम अफराद के साथ इंटरैक्ट करते हैं. इनमें कुछ जो आपके साथ क्लासिफिकेशन शेयर की गई हैं वो कोऑपरेटिव हैं इंटरेक्शन के अंदर आती हैं, और कुछ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेक्शन के अंदर आती हैं, और इनमें से कुछ जो होंगी जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी देखते हैं और कुछ नेगेटिव भी देखते हैं, और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसके अंदर टोटली तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं. अब सोशल प्रोसेसेस क्या होती हैं? सोशल प्रोसेसेस वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि वो तमाम तरीके जिनके ज़रिए से हम एक इंडिविजुअल या हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेशन जॉब, हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, इसे हम ताउन कहते हैं. अगर हम किसी फर्द के साथ किसी काम में ताउन करते हैं तो ये कोऑपरेशन होगी. अब ताउन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. हम किसी फर्द के पॉजिटिव मतबत काम में किसी की मदद करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव कोऑपरेशन होगा, लेकिन कुछ अफराध हम मुआशरे में देखते हैं कि ऐसे भी हैं जो किसी गलत काम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान चोरी करना चाहता है और दूसरा फर्द उसका चोरी करने में मदद देता है तो ये इसका नेगेटिव कोऑपरेशन होगा. इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट बजाते फर्द जो है इसका मतलब तादुम है, यानी टकराव है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समटाइम्स दो अफराद आपस में लड़ते हैं बातचीत के जरिए, सिर्फ वर्बली या फिजिकली आपस में लड़ाई कर सकते हैं. हम इसे कहेंगे कि ये आपस में इंटरेक्ट करें. देखिए इंटरेक्ट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके अंदर सिर्फ ये बात करें कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज़ इंटरेक्शन. अच्छा टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है, दिस इज़ इंटरेक्शन. या दो ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन है. बल्कि इंटरेक्शन ये भी है कि अगर दो अफराद के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो ऑब्वियसली एक का देखिए हम इंटरेक्शन तो उसे कह रहे हैं ना कि एक्शन और रिएक्शन. एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्शन नेगेटिव भी हो सकता है. ऑब्वियसली अगर एक्शन पॉजिटिव होगा रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली के पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है. लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि किसी भी दो अफराद के दरमियान एक्शन और रिएक्शन हो तो वो इंटरैक्शन है. अब एक्शन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बात चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो इंटरैक्शन ही कहलाएगा. सो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर दो अफराद के दरमियान तसादुम होता है तो हम इसे कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे. कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जंग भी आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत सारे और ऐसे जिनमें दो अफराद आपस में लड़ाई करते हैं, दो कबीलों के दरमियान अगर लड़ाई होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा. इसी तरह से कॉम्पिटिशन जो है जिसको हम मुकाबला कहेंगे, जैसे हम कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर दो टीमें पाकिस्तान और ईरान की टीम क्रिकेट टीम के अंदर खेलती हैं और ये बहुत हेल्दी कंपटीशन हो और सिर्फ खेल के तौर पर
समझा जाए तो ये पॉजिटिव कंपटीशन होगा, या दो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जिनके हमेशा ग्रेड्स सेम आते हैं या बहुत कम में फ़र्क होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो हमेशा कोशिश करें पॉजिटिवली कि हम मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स ले लें तो ये उनका पॉजिटिव कंपटीशन होगा। लेकिन अगर दो टीमें या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ अफराद कोई ऐसा कंपटीशन करें जो हेल्दी ना हो, जिसका मकसद लोगों के अंदर इंतशार फैलाना, लोगों को के लिए मसाइल पैदा करना है, तो वो आपका नेगेटिव कंपटीशन होगा। इसी तरह से अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये भी कॉपरेशन की फर्दर जो है वो मोड्स हैं जिनको समझना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इस आपके चैप्टर के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, इसलिए हम इसको हल्का सा समझने की कोशिश कर रहे हैं इन पांचों मोड्स को कि ये बेसिकली हैं क्या। फर्दर अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो यू कैन आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या है। अकोमोडेशन बेसिकली एडजस्टमेंट को कहते हैं, सोशल एडजस्टमेंट को। इसके अंदर बहुत सारी सब टाइप्स आती हैं जिनके अंदर हम सुलह, समझौता, कंप्रोमाइज और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं, इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। अकोमोडेशन ये होती है कि दो रात के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान अगर आप सुलह करवा देते हैं तो ये अकोमोडेशन होगा और आपका ये सोशल इंटरेक्शन भी होगा। इस तरह से बहुत सारे दो ग्रुप्स होते हैं जिनका जो आपस में समझौता करते हैं या कंप्रोमाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली अकोमोडेशन है और ये इंटरेक्शन के ज़रिए से ये तमाम अमल जो है वो हुआ। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एसिमिलेशन की, तो बेसिकली एसिमिलेशन भी सोशल इंटरेक्शन की ही एक टाइप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंटरैक्ट जो है वो कैसे किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से दो कल्चर या दो अफराद या दो आइडियाज़ या दो इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जम करती हैं, या ये समझ लीजिए कि इसे हम इंजज़ा कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फर्द किसी दूसरे मुआशरे में जाकर रहना शुरू करता है या दो मुआशरे आपस में बहुत करीब हैं, तो उनका जो कल्चर या उनकी जो सकाफत होगी वो आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगी। बहुत सारी ट्रेड्स जो होंगी वो एक कल्चर से, एक कल्चर की जो ट्रेड्स होंगी वो अफराद जो कि उस कल्चर के अंदर जाकर रहना शुरू करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी, उसको उसका इंजाद करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने अंदर जम करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये इंटरेक्शन होगा एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ। यानी वो फर्द जो कि पाकिस्तानी मुआशरे से अमेरिकन सोसाइटी के अंदर रहने गया है, तो वो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर रहकर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखेगा, जो उसका इंटरेक्शन होगा, लोगों को देखेगा, लोगों के साथ बात करने के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगा। तो ये उसका इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ होगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अभी तक हमने ये स्टडी करने की कोशिश की कि सोशल इंटरेक्शन है क्या, सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट्स क्या थे, सोशल इंटरेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन को हमने क्यों स्टडी किया, तो ये सोशल इंटरेक्शन किस चीज़ की, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक दफ़ा से फिर से लेक्चर का रिव्यू कर देती हूँ कि सोशल इंटरेक्शन दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान रबते को कहते हैं या ताल्लुक को कहते हैं। वो वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत
बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे की बुनियाद, किसी भी माशरे के स्ट्रक्चर, किसी भी माशरे के डेवलपमेंट और किसी भी माशरे के ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर दो अफराद या अफराद माशरा आपस में बात ना करें, आपस में कम्युनिकेट ना करें, आपस में डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट चीज़ों के वजह से इंटरेक्ट ना करें, तो माशरा कभी भी वजूद में नहीं आएगा। माशरा वजूद ही इंटरेक्शन के ज़रिए से आया, और माशरे का ओरिजिन यानी माशरे का जो आगाज़ था या माशरे का जो इर्तका है यानी उसकी जो अंदर एवोल्यूशन आई, और अभी माशरा जिस हालत में और कल्चर जिस हालत में हमारे पास मौजूद है, या इंसान ने जितनी भी तरक्की की या इंसान डेवलपमेंट की जो मंजिलें तय कर रहा है, वो सब का सब अगर हम बहुत वाइजली देखें, तो वो सब का सब जो है वो डिपेंड करता है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन ही वजह बनी है कि हमने एक सकाफत को वजूद में लाया और एक सोसाइटी को वजूद में लाया और ग्रुप हमारे सामने आया और हमने फिर वक्त के साथ साथ तरक्की की, काबिल तहकीन। इसके बाद हमने देखा सोशल इंटरेक्शन की दो टाइप्स हैं, दो तरह का है सोशल इंटरेक्शन, जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल की हमने बात की। कुछ कम्युनिकेशन हम वर्बली करते हैं बोलकर, कुछ नॉन वर्बली अपने जस्ट अपने बिहेवियर, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी पॉस्चर और बॉडी मोशन पोजिशन के ज़रिए से करते हैं, वो भी हमारा इंटरेक्शन ही कहलाता है। फिर हमने सोशल इंटरेक्शन और सोशल प्रोसेसेस की बात की, जिसके अंदर हमने ये बात की कि इंटरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव इंटरेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा किसी से बात करता है, बल्कि इंटरेक्शन दो तरफा ताल्लुक का नाम है, जिसमें एक तरफ से एक्शन और एक तरफ से रिएक्शन होता है। एक्शन शुड बी पॉजिटिव और एक्शन शुड बी नेगेटिव टू। इसी तरह से जो रिएक्शन है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर इंशाल्लाह से बहुत अच्छा समझ आया होगा और आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर चुके होंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोशियोलॉजी के एक और खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।